वेलकम टू आवर चैनल इंद्राक्षता व्लॉग्स। आज हम आपको आलू की पूरी बनाना सिखाएंगे। ये आलू की पूरी है, ये आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं और किसी भी सब्जी या अपने मन पसंद चीज के साथ खा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज हिट ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर आवर फर्दर अपडेट। आज हम आपको आलू की पूरी बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपको 500 ग्राम आटे की जरूरत है और ये हमें चाहिए हरी मिर्च कटी हुई। हमने एक हरी मिर्च लिया है कटी हुई और दो चम्मच धनिया लिया है हरा और ये एक चम्मच सूखा धनिया लिया है। ये लिए हमने लाल मिर्च, जो आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हमने आधे चम्मच से कम लिए है लाल मिर्च और उतनी ही हमने हल्दी ली है आधे चम्मच से कम और ये नमक स्वाद अनुसार। और ये तीन आलू हमने उबले हुए मैश करे हुए इस बोल में रख लिए हैं। अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम आलू जो हमारे मैश करे हुए हैं उन्हें आटे के साथ मिक्स करेंगे और गूंथेंगे। ये आटा अच्छे से मन चुका है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसलिए आपको ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। इसमें अब हम मसाले डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे, सूखी धनिया डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और हरी कटी हुई मिर्च। हमारा डो आलू की पूरी के लिए रेडी हो चुका है। अब हम इन्हें पूरी की फॉर्म में बनाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। हमने रोटी जैसे बेलते हैं, हमने छोटा सा एक लोई ले ली है आटे की और अब हम उसे बेलेंगे पूरी की फॉर्म में। ये हमारी पूरी रेडी हो गई है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हम फ्राई कर रहे हैं पूरी को, आलू की पूरी हमारी फ्राई हो गई है। एक और अब हम ऐसे करके अपने सारे आटे से पूरियां प्रिपेयर कर लेंगे। हमारी आलू की पूरी रेडी हो गई है, अब आप इसे सर्व करके खा सकते हैं। आप जिस मर्जी से खाना चाहें उससे खा सकते हैं, आप सब्जी से खा सकते हैं, दही से खा सकते हैं, चटनी से खा सकते हैं, अचार से खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप उसके साथ ये पूरियां खा सकते हैं। और ये पूरियां किसी भी ओकेजन पे आप बना सकते हैं और इनका लुत्फ़ उठा सकते हैं।